को नाराज करना मालदीव की मोहम्मद मुइज्जू सरकार को बहुत भारी पड़ने वाला है। भारत का विरोध करने की ऐसी सजा चुकानी होगी जिसकी मुइज्जू ने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। मालदीव के बायकॉट को लेकर तो अभियान चल ही रहा था, अब मुइज्जू को अपनी कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ेगा। मालदीव की राजनीति में भूचाल आ गया है, सरकार गिरने तक का खतरा मंडराने लगा है। मालदीव में मुइज्जू को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग अब तेज होने लगी है। दरअसल मालदीव में विपक्ष नेता अली अजीज ने मुइज्जू को आईना दिखा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जब विवाद हुआ तो अपने देश का सम्मान नहीं बचाया, विवाद का सही तरीके से समाधान भी नहीं किया गया, मुइज्जू अपनी जिम्मेदारी का वहन करने में फेल हुए, इसलिए मुइज्जू को राष्ट्रपति पद से हटाया जाए। अली अजीम ने घोषणा कर दी है कि जल्द ही संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया जाएगा, उनके सभी सांसद इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें। ऐसे में अब खबरें आ रही है कि अगर मालदीव की संसद में ये अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है तो मुइज्जू की सरकार गिरनी तय है, क्योंकि मालदीव को प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा झटका दिया जिससे वहां की इकोनॉमी घुटनों के बल आने वाली है। वहीं भारत से पंगा लेने के कारण मालदीव की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो सकती है। मालदीव का टूरिज्म बिजनेस भी प्रभावित होगा, क्योंकि भारत से काफी टूरिस्ट मालदीव घूमने आते हैं, यहाँ कई कई दिन भी बिताते हैं। लेकिन विवाद के चलते भारतीय अब सोशल मीडिया पर मालदीव का बहिष्कार करने लगे हैं, इससे दुनिया भर के टूरिस्टों में मालदीव की इमेज खराब होगी, बिजनेस डील्स पर विवाद का असर पड़ सकता है। ऐसे में मालदीव का विपक्ष और सरकार के कुछ नेता समझ चुके हैं कि अगर देश को बचाए रखना है तो मुइज्जू से पल्ला झाड़ना ही होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में लक्षद्वीप गए थे, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर वहां की कुछ तस्वीरें शेयर कर लोगों से लक्षद्वीप आने की अपील की थी। इस पोस्ट को पढ़कर, तस्वीरें देखकर मालदीव के कई मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए, यहाँ तक कि उन्होंने इसराइल को जोड़ते हुए पीएम मोदी को टारगेट किया था, साथ ही लक्षद्वीप का भी मजाक उड़ाया, जिस पर भारत ने नाराजगी जताई थी, कुछ सख्त कदम भी उठाए, जिसके बाद से मालदीव बौखलाया हुआ है और अब मुइज्जू की सत्ता से बेदखली तय मानी जा रही है। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।